हाय हेलो गाइस, आज नई वीडियो लेके आई हूँ आप मैंने अपने यूट्यूब चैनल में। मैं बनाने जा रही हूँ आज पुई शाक, जिसे कहते हैं पुई शाक। और पुई शाक के लिए मैंने आज लिए हूँ मच्छी, हुई मच्छी का सिर। आज मच्छी का सिर डाल के बनाऊंगी शाक को। तो मैंने इसको मैंने क्या करा, अभी फ्राई कर लिया मैंने। तो आप देखिए हम कैसे बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे टेस्टी है, बहुत ही स्वाद लगता है। आप बना के देखिए, खाइए और कमेंट पर फिजा नहीं कैसे लगा। तो चलिए मेरे वीडियो से चलने से आगे, देखने से आगे पहले आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि आपके पास नई नई वीडियो आगे पहले आ जाए। तो मैंने लिए इसमें पुई शाक, लिए नरम साग है, बहुत नरम साग है। इसको इस तरह से मैंने काट लिया, क्योंकि हम लोग डंठन बहुत पसंद करते हैं इसको, इसलिए इस तरह से डंठन काट लिए, पत्ते काट लिए। तो ये पत्ते जो है ना, ज़्यादा बारीक काटूंगी तो घुट जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से मैंने काट लिए। और साथ भी मैंने लिए हैं आलू, इस तरह से आलू मैंने काट लिए। देखिए दो आलू, छोटे छोटे दो आलू टुकड़े कर लिए। एक बैंगन ले लिया मैंने, आलू बैंगन काटे हैं। और एक टमाटर काट लिए, टुकड़े कर लिए। दो चार हरी मिर्च ले लिए। और तड़के के लिए मैंने सिर्फ प्याज लिए और अदरक लहसुन का पेस्ट लिए एक चम्मच। तो आपको दिखाते हैं ये कैसे बनता है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मैंने तड़के में लिए हैं, क्या लिया मैंने तड़के में, पांच फूरन जैसे कहते हैं, जैसे जैसे कि सौंफ हो गए, मेथी हो गए, कलौंजी हो गए, पांच तरह की चीज़ें होते हैं जो मिक्स होकर उसको पांच फूरन कहते हैं। और साथ में मैंने तेज़पत्ता लिया, पांच फूरन एक चम्मच तेज़पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, नमक अपना स्वाद अनुसार डालेगा, तो नमक। और धनिया मैंने लिया, धनिया पाउडर एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच, मिर्ची, हम मिर्ची बहुत कम खाते इसलिए मिर्ची बहुत कम लिए हैं। तो मैंने यही है मसाला जो डालेगा। और साथ में मैंने तो सिर तो भून ही लिए है मच्छी के सिर, तो आपको बता ही दिए। चलिए मैं बनाती हूँ, आप देखिए बनाइए खाइए, और आप अपने घर पर बना के दिखाइए कैसे बने, कमेंट से जानिए प्लीज़। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सामने सबसे पहले वीडियो आए। तो चलिए मैं तड़का लगाती हूँ, गैस ऑन कर दिए हैं। और अब मैं तेल डाल रही हूँ, देखिए देखिए। चलिए मैं बनाती हूँ, तड़का लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, इसलिए क्योंकि चीनी में थोड़ा कलर भी आता है और टेस्टी भी आता है, तो इसलिए मैं पहले थोड़ा सा चीनी डालती हूँ, आधे से छोटा सा चम्मच, एक चम्मच। अब मैं डालूँगी तेज़पत्ता, पाँच चम्मच। फिर मैं डालूँगी प्याज, हल्का सा लाल हो गए हैं, देखिए इस तरह से भून गए हैं। अब हम डालेंगे हल्दी, डालेंगे उसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च, फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर मैं डालूंगी कटे हुए टमाटर, फिर
फिर मैं डालूंगी चीनी जो मिर्ची में रखा था। आप तीखा खाते हैं तो तीखा भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से मिर्ची डाल सकते हो। हमारे घर में बच्चे तो मिर्ची खाते नहीं। इसके बाद हम डालेंगे ये डालेंगे धनिया। इतनी सी पानी डाल के थोड़ा सा पका लेंगे मसाला को। मसाला लगभग पक गया है, अब मैं डालेंगे नमक। इसके बाद हम डालेंगे आलू अदरक। दो मिनट में ढक देंगे। अब हम डालेंगे सॉस। अब हम मच्छी के सिर डाल देंगे। एक बार पक चुकी है, बस दो मिनट के लिए ढक देंगे। जो हमने सीर डाला है दो मिनट के लिए ढक देंगे, फिर उसके बाद हम उतार लेंगे। सब्जी आपका बन गया है ना, बहुत आसान तरीके से। अभी हो गया, हम उतार लेंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिए ऊपर से भुना हुआ। गरम मसाला नहीं डालती इसलिए जीरा पाउडर डालती हूँ, ज़्यादा गरम मसाला भी खाना नहीं चाहिए। इतना अच्छे से हो गया।